नाम क्या है? मुदासिर। क्या है मेरा नाम? मुदासिर। अपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। सो बेसिकली मेरा ये व्लॉग बनाने का इंटेंशन यही है कि मैं कुछ ऐसा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं हूँ ट्रैवलिंग के ऊपर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिखाऊँ। एंड एज अ बिगनर सिनेमाटोग्राफर आई विल ट्राई टू शूट होल जर्नी एंड मेक अ जर्नी, मतलब ट्रैवल फिल्म बनाऊँ पूरी। तो ये ट्राई करूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करने की कोशिश करूँगा। एंड हाँ, ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है, सो स्टार्ट करते हैं। एंड ओबियसली आप बोलेंगे कि अभी कहाँ हूँ मैं, तो मैं हूँ अभी मुंबई सेंट्रल पे, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे। एंड बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ट्रेन चालू है ऑल, तो उन लोगों के लिए ये बेसिकली है कि जिनके पास टिकट्स है तो वो आउट स्टेशन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब लोकल ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। एंड रही बात, अगर कंफर्म टिकट है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो बहुत बात हो गई, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। तो गाइज फाइनली लोहा जंग पहुँच गए, और ये देखो ये रूम है, यहाँ पे 4 लोग का स्टे है, ठीक है। सो रूम में तो पहुँच गए भाई, बहुत ठंड थी और पहुँचे तक जो है तो अंधेरा हो गया था, मतलब शाम हो ही गई थी। तो व्यूज़ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मैंने कुछ ट्रैवलिंग करते वक्त मैंने रिकॉर्ड किए, तो वो मैं इसके बाद में आपको दिखा दूँगा, बिकॉज़ मेन मकसद मेरा व्यूज़ दिखाना ही है। तो आपको व्यूज़ में दिखा दूँगा अभी कि बहुत प्यारा था, और सनसेट भी बहुत प्यारा था। बाकी कल मॉर्निंग में जब सनराइज़ होगा तब बहुत मतलब प्यारा व्यू आने वाला है। और जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ तो वो उसके सामने बहुत सारे पिक्स है, और उसके ऊपर मतलब एक ऑरेंज सा एक अलग लेवल पे शेड आता है, वो भी बहुत प्यारा है, कसम से मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। सो अभी तो फ़िलहाल कोई सीन नहीं है, अभी सिर्फ डिनर करना है और मस्त सोना है, कल से स्टार्ट होगी ट्रैकिंग, ठीक है। सो डिनर करते हैं और कुछ नहीं, बाय। What's up everybody? Good morning, and today is the first day. और ये पहली सुबह है यहाँ पे लोहा जंग के अंदर, ट्रैकिंग का भी फर्स्ट डे है। अब यहाँ से होगी ट्रैकिंग स्टार्ट, और भाई सही बता रहा हूँ बहुत ठंड है, कुल्फी जमी पड़ी है, रात को इतनी ठंडी, भाई सही बता रहा हूँ एक करवट पे सोया हूँ, उसके बाद मैंने करवट ही नहीं ली, मैं सो गया डायरेक्ट, पता ही नहीं बाद में क्या हुआ, सही बता रहा हूँ। मतलब पूरा ब्लैंकेट गर्म करने में मेरी एनर्जी निकल गई बॉडी की। खैर कोई नहीं, देखो मस्त पहाड़ों के बीच बहुत मज़ा आ रहा है, और ऊपर जाने के बाद तो और ठंड लगने वाली है सीरियसली,
खैर कोई नहीं, आप लोग व्यूज़ इंजॉय करो, ठीक है, व्यूज़ देखो। Yes, Mary, bro, it's Mary. Guys, a Mary channel. Mary. Like, share, and subscribe. Press the bell icon. Whatever. And do comment. Do share. So, guys, tracking हो गई है start. हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े और हालत down है. See, ये देख रहे हैं लोग. देखो. बहुत ही गंदी हालत है अभी से, ठंड है बट लग नहीं रही, बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, बट ठीक है, चल रहे हैं अभी। अब तक तो बर्फ़ का कोई ठिकाना नहीं है, देखते ऊपर मिलती है नहीं, ठीक है। सो गाइस चलते हैं, सांस लग रही है अभी से, पता नहीं आगे क्या होगा। वेल जर्नी कंटिन्यू कर दे। इनको देखो, ये हौसला पीट रहे अपना, देखो इनको कैसे हौसला पीटा जा रहा है, हौसला अफजाई करी जा रही है। हनुमान चालीसा से ऊपर जाए तक माता आ जाएगी, अभी हनुमान जी से शुरुआत की है। हाँ चढ़ कर आए हैं और अब ये व्यू देखो, ये है कैंप, हमारा फर्स्ट कैंप भेकनताल का। ये पहुंच गए तुम, ये देखो लक्ष्मण भाई को बड़ा मजा आ रहा है, इन्हें मजा आ रहा है, मुझे एड़ा बना रहे हो, बोले इतनी सी दूर है यहाँ लेकर आ गए, झूठ बोलते। ये देखो जो भी यहाँ ट्रैक करने आ रहा है ना, ये सबसे बड़ा स्कैम होता है कि ये बताते हैं यहाँ से इतनी दूर है, इतनी दूर है और कुछ नहीं होता है, दूर लग रहा है ये। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो यार भैया। और ये देखो व्यू मस्त। सो गाइस खाना वीना सब हो गया, अब आए हम भेकनताल लेक पे, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रही रहेगी, और सीन वगैरह भी मैं दिखा दूंगा आपको सब, ठीक है। और अब जा रहे हैं वापस कैंप में, कैंप के पास भी एक छोटा सा लेक है लेकिन बहुत बढ़िया है वो भी, उसके भी सीनरी डाल दूंगा मैं, ठीक है। एंड बस कल निकलेंगे वापस से भेकनताल लेक के लिए, एंड देन उसके बाद समिट। सी गाइस फ्रोजन लेक देखो, पूरा जमा हुआ है, देख रहे फ्रेंड्स को कैसा कर रहे। सो भैया पहला सनसेट तो हमने मिस कर दिया, छोटी सी टाइम लैप्स आने वाली इसके बाद में, बट उसमें ज्यादा सन दिख नहीं रहा, वो हुई हुआ क्यों
क्योंकि मैं वो जो फ्रोजन लेक था उधर, तो उसके अंदर जो मैं गया था तो उसमें मेरे को ज़्यादा आगे जाने मिला भी नहीं, फ्रेंड्स लोग ने ज़्यादा साथ में मतलब आगे जाने दिया नहीं, और ट्रैकिंग गाइड भी चिल्ला रहा था ऊपर से, तो मैं ज़्यादा आगे गया नहीं, बुला रहा था बार बार, और जो ट्रैक कर रहे साथ में उन्होंने भी ज़्यादा आगे जाने दिया नहीं। खैर कोई नहीं, आगे सनसेट और मिलते रह गए, वो रिकॉर्ड हो जाएगा पूरे, वो व्यूज़ दिखाऊंगा मैं आपको ज़रूर पक्का। और बट मज़ा आ गया भाई फ्रोजन लेक में जा कर के, थोड़ा और आगे जाने मिल जाता कसम से मज़ा आ जाती, हाँ मज़ा आ जाती सीरियसली। खैर कोई ना, आगे अभी बहुत बाकी है, ठीक है। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, डे टू बिकानताल पे ही हम लोग अभी भी, अभी बस सुबह हुई है, बहुत ठंड है, तीन तीन लेयर चढ़ा रखी है फिर भी ठंड है, और व्यू तो बहुत मस्त है, देखो वहाँ से सूरज निकल रहा है और यहाँ किरणें पड़ रही है नीचे, व्यूज़ आप लोग देखोगे डोंट वरी, अभी जस्ट इसके बाद ही व्यूज़ देखोगे, अभी इसके बाद का कुछ है नहीं, नाश्ता करना है और भ्रमताल के लिए निकलना है, बहुत ठंड है, बहुत स्लीपिंग बैग में घुसने के बावजूद इतनी ठंड लग रही थी कि पूछो मत, बहुत हाथ वात तो सब सुन हो गया, सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। खैर कोई ना, आप लोग व्यू एंजॉय करो। ब्रेकफास्ट एंड ऑल एवरीथिंग इज़ डन एंड नाउ हम निकल चुके हैं भ्रमताल ट्रैक के लिए। देखो ये बंदा भाई, हाय बोलो, क्या नाम है भाई आपका? मुस्तफ़ा भाई, बहुत बढ़िया। कल का क्या सफ़र कैसा रहा भाई? बहुत ही बढ़िया, बहुत गंदा, बढ़िया नहीं भाई, बहुत गंदा, ठंड और बहुत विंटर ट्रैक है तो। हाँ भाई वो तो है। खैर अब जा रहे हैं भ्रमताल लेक, अब 7 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, बहुत फिर हालत ख़राब होने वाली चढ़ाई में। खैर कोई ना, हाँ प्रदीप भाई कुछ बोल रहे, बोल लो भाई। जाएंगे ब्रह्मताल, हाँ जो है कि मतलब 7 किलोमीटर समथिंग, ओके okay. तो वहाँ से आने वाला है, हमें बीच में 2-3 स्पॉट दिखेंगे जहाँ से हिमालय दिखेगा हमें। अच्छा, वहाँ से हमें दिखेगा नंदा घुंघटी, त्रिशूली, ओके बाकी त्रिशूली टू है, बहुत सारी पिके हैं उधर, ओके वो हमें दिखेगा झंडी टॉप से। ठीक है, बस ठीक है, देख लिया, बहुत बहुत गंदा सफ़र है। और भाई अगर आप लोग ये ट्रैक पे आ रहे हो, कपड़े मत लाओ, बस 2 जोड़ी थर्मल पहले लेके आओ, बाद में जो भरना भर लो बैग में, ठीक है, 3-3 लेयर डाल के भी कुछ ना हो रहा है यहाँ पे। खैर मिलते हैं अभी सीधा व्यू पॉइंट पे। हाँ आप लोग बोल रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ सस्ते नशे, ये एकदम फ्री का है, ऑर्गेनिक, कोई तकलीफ़ नहीं होती। हाँ
काफूर है, काफूर सांस लेने में आसानी होती है इससे। काफूर सस्ते नशे करोगे भाई, लो करो नशा आप भी पहली बार। और के नहीं गई एकदम, कोई तकलीफ ना होए। कड़क है कड़क है ना, देखो भैया ने बता दिया कड़क है एकदम। लेते चढ़ जाती है, नशे करने सस्ते नशे। देखो बोले चरस गंजे का धंधा करते हैं। नहीं नहीं ये सस्ते नशे सिर्फ चरस गंजे का धंधा। ये देखो देखो चढ़ गया, देखो इसको भी बहुत टाइट है भाई, बहुत कड़क माल है। खैर कोई ना, ये नशे करते करते ऊपर जाएंगे। सबसे पहला व्यू पॉइंट है तिलंडी, इस पर बर्फ़ ढकी हुई है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी बर्फ़ होती है, बहुत बर्फ़ होती है, पर क्या करेगा किस्मत, बर्फ़ बिल्कुल नहीं मिल रही। थोड़ी कल नीचे मिली थी बस उतनी, स्नोफॉल तो बिल्कुल नहीं हो रहा। होप कर रहा हूँ कैंड में जाते वक्त तो मिल जाए स्नोफॉल। खैर कोई नहीं, आप लोग व्यूज़ इंजॉय करो। ओह सी पीछे फुल धुंध है और धुंध के अंदर जो है पहाड़ ढके हुए, बहुत भारी लग रहा है। बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा व्यू है। गाइस अभी भी हम तलंडी पे है, यही व्यू पॉइंट पे। क्लाइमेट वार्म हो गया है तो देखो सब उतार दिया है। ये भी है साथ में ट्रैकिंग पे, और बस मोमेंट बैठ के एंजॉय किया जा रहा है। हाँ बहुत चिल हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली मेड टू दी झंडी पॉइंट, एंड अब यहाँ से जाएगी नीचे बेस कैम्प। बेस कैम्प कहाँ है, बेस कैम्प थोड़ा नीचे है यहाँ से, वहाँ है कैंप, वहाँ जाना है। वहाँ तो ढलान है, खैर वहाँ जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट दिस ये झंडी पॉइंट है ब्रो, ये देखने के लिए सीरियसली बहुत बहुत खूबसूरत है। और पीछे वो हिमालयन रेंज बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बादलों में घिरा हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। वेल आगे की जर्नी ब्रेक के बाद चालू होगी।
बेस कैंप पे तो अभी तक पहुंचे नहीं है, पर एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो आवाज़ बहुत ही को हो रही है, मस्त लग रहा है, गूंज रही है ना, आ रही है यार, आ रही है भैया, आ रही है, बहुत सेक्सी लग रहा है यार, मज़ा आ रही है, मतलब बहुत सही लग रहा है भाई, बट इतना नीचे उतरना और बहुत उतरना है नीचे, खैर कोई ना, चलो गाइस फाइनली टच टू दी भ्रमताल लेक, बेस कैंप वहाँ पर है और ये रहा लेक, देखो आधे से आधा लेक तो फ्रोज़न है और जो फ्रोज़न नहीं है भाई उसमें रिफ्लेक्शन ऐसा आ रहा है ऊपर के पहाड़ का जैसे सोना हो भाई, बहुत प्यारा लग रहा है सीरियसली, हाय हाय फ्रोज़न लेक में जाना है बस नीचे और, यस ठीक है, और क्लोज से व्यू दिखाया जाएगा आपको, बने रहिए हमारे साथ। What's up everybody? Good morning. It's day 4 at Bhramataal Lake Only. And आज जाएंगे समित पे और वो रहा समित ऊपर, वहाँ से जाएंगे, देन वहाँ से आने के बाद ऑफिस स्टे होगा इधर का भाई, बहुत बहुत ठंडे, चार चार लेयर पहन रखा है अब तो, और कुछ ना हो रहा फिर भी ठंडी वाली, और यहाँ के लोग सिर्फ दो दो लेयर में जो है तो ज़िंदगी गुजार रहे भाई, पता नहीं कैसे हाथ ऐसे सून हुए, पूछने की हद नहीं है, अब धूप निकली है थोड़ी तो ठीक लग रहा है, बर्फ तो कहीं नहीं है, बस ये जो दो चार दिन पहले गिरी हुई थी वही बर्फ़ है जो दिख रही है ये, और कोई बर्फ नहीं है यहाँ पे, बहुत भारी है। और कुछ भी बोलो भैया, बहुत इन्जॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसी ठंड में तो भाई कुल्फी जम जाएगी बहुत, खैर अब ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे समित के लिए, देन समित के व्यूज़ देखना आप, ठीक है बने रहिए। सो गाइस हेडिंग टुवर्ड्स दिस समित एंड बुरहान, राइट? यस बुरहान भाई, एंड दिस इज मुस्तफ़ा, हाय, समिट के लिए रवाना हो रहे, दो घंटे का सफ़र है, देखते हैं ऊपर कितनी देर में चढ़ते हैं, ओनली 10 मिनट्स, आज तो खैर लगेज नहीं है पीछे तो देखते जल्दी चढ़ जाएंगे शायद, बट फिर भी स्लो ट्रैकर है हम लोग, खैर समिट में मिलते हैं। सो गाइस ये है भ्रमताल लेक जो ऊपर से सिर्फ फ्रोज हुआ है अभी, इतना फुली फ्रोज नहीं हुआ, फ्रोजन नहीं है, इसके ऊपर चल नहीं सकते फिलहाल, रिस्क है थोड़ा, बट स्टिल देखते आने के बाद। गाइस मेकिंग इट टू द समिट, इतना सा रह गया बस पीछे जो दिख रहा है, बट हालत डाउन है, क्यों पीके वो ए भैया, ये साला स्पोर्ट्स पर्सन है, इसको कुछ नहीं हो रहा, इतना सा रह गया ये, और आए कहाँ से थे, वहाँ से नीचे 10 डिग्री हो गए कहीं, साला इतना चढ़ लिया, कितने देर से चढ़े, 1.5 घंटा हो गया होगा, 1 घंटे में हमने निपटा दिया, 2 घंटे का था, 1 घंटे में निपटा दिया, और 15 मिनट शायद और लग जाएगा इसके लिए, हो इतना सा बचा है बस, इतना सा, हाय
जान ले ली इस ट्रैक ने। हौसला लेके आओ और हौसला पीट पीट के चढ़ जाओ ऊपर बस। कोई नहीं, व्यूज देखो। फाइनली समित, इसके लिए हमने वहाँ से जो दिख रहा कुछ दिख रहा है, वहाँ से स्टार्ट किया था चलना। भाई दिखता सब कुछ पास में ऐसे यूँ बट होता कुछ नहीं है भाई। बहुत मैंने क्या कहा था, 15 मिनट लगेगा ना, आधा घंटा हो गया यहाँ आने के लिए। 2 से 3 बार मैंने ब्रेक ले लिया उसके अंदर। और भाई बहुत बहुत भारी है समित। हाँ भाई प्रणाम, कुछ बोलेगा? वैसे तो तेरे लिए टफ था। इसके लिए भाई हटाओ, फिर नहीं बात करनी इससे। अरे मैडी भाई ले भाई, देखो ये बंगाली बाबू से बात कीजिए। अम्मी तो मदर भालोबाशी हमरा सब लोग बंगाल से। भाई बताओ अपना एक्सपीरियंस समित का क्या है, क्या नहीं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा था, जैसा ट्रैक वैसा मैडी भाई। भाई ये नाक असाधारण एक्सपीरियंस। ये तो सिर्फ बंगाल वाले समझ पाएंगे भैया, सब समझ जाएंगे बंगाल वाले समझ पाएंगे। तो भाई ये नाक एकदम कड़क हो गई, एकदम ठंड के मारे ऐसा नाक से पानी निकल रहा, पकौड़े ऐसे लाल भी हो रही, मुझे तो पता नहीं उसमें दिख रहा कि नहीं, बट कोई नहीं। फाइनली मेड दिस, आई मेड इट। व्यूज एंजॉय करना भैया इसके बाद आप लोग से। व्यूज तो गाइस नाउ वी आर डन विथ समित, नीचे आ गए काफ़ी। एंड बस व्यूज़ देखो, थोड़ा सा चेंजेस आया व्यूज़ में, बाकी तो सब सेम ही है। उधर एक ऐसा क्लाउड है, अभी देखना, मतलब बीचों बीच है, मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है क्लाउड। खैर कोई नहीं, मज़ा आ गया समित पे, आराम से हम लोग ने 2 से 2.5 घंटा बिता लिया है, बहुत मज़ा आया। और अभी जा रहे वापस बेस कैंप पे, खाना वीना खा के नीचे देखेंगे लेक पे, अगर फ्रोज़न हो गई ना अच्छे से तो लेक पे जाने का ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ लेक का नीचे से व्यू दिखा दूंगा आप लोगों को मस्त। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये पहाड़ों का व्यू एंजॉय करो, वो बीच में जो क्लाउड्स आ रहे हैं ना वो बहुत सेक्सी लग रहे, वो देखो। ठीक है, वो रहे क्लाउड्स बीचों बीच, बहुत प्यारे लग रहे। और यहाँ था हमारा समित ऊपर, मज़ा आ गया, 12,500 फीट मज़ा आ गया। हवा तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, इसकी वजह से और ज़्यादा ठंडी लग रही है। क्लाउड्स देखो, क्लाउड्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। सो गाइस नीचे जाते जाते सोचा क्यों ना वही कर लिया जाए जिसके लिए आया गया था, बट इसमें एक चीज़ नहीं हो सकती कि बर्फ खाने नहीं मिलेगी भैया। दिख रहा है ये फ्रेश स्नो है नहीं, वरना मैं खा लिया होता इसको, बट मज़ा आ रहा है यार। तो अगेन ट्रेल को फॉलो करते हुए आए सी, और बर्फ़ मिल गई मुझे, बहुत सारी है, हर जगह थोड़ी थोड़ी चादर फैली हुई है बर्फ़ की, बट मज़ा आ रहा है। मजबूरी ये है कि बस खा नहीं सकते ना यार, ये तो यूँ खाली होते हैं, ठोस है थोड़ी बट मस्त है। देखो हाँ तो भैया क्या दिखा रहे हो, ये फूल है क्या है, फल है क्या है, चेरी है, चेरी ना हुए भैया, ये ऐसी चेरी नहीं होती, ऐसी चेरी है, खा सकते हैं इसको। हाँ खा ले अपने रिक्स पे, ये जंगली फल कुदरत अपना कमाल दिखाएगी, ये जंगली फल बोलते हैं इसको, खा ले कुदरत अपना कमाल दिखाएगी भैया। ये देखो खा रहा हूँ तो
कुदरत एक और एक चीज़ में अपना कमाल दिखाएगी। देखो हम जहाँ से आ रहे हैं ना एकदम ढलान है, वहाँ से गिर गए ना तो सीधा ऐसे लुढ़कते 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 सामने भ्रमताल लेक के अंदर। कुदरत सिर्फ अपना कमाल दिखाएगी, और फीस के बदले में जो इसका जो बदला होगा ना वो फीस वो दो चार हड्डियाँ होगी टूट चुकी होगी जो। हाँ क्या लगता है लेक फ्रोज है अभी भी? पक्का नहीं रे भाई, वहाँ तो मेरे को पानी पानी सा दिख रहा पूरा, और देख उधर पूरा पानी दिख रहा है, बीच में है लगता बीच में। हाँ बताओ ऐसी ऐसी जगह से उतरना पड़ रहा है कि एक बार गए सो गए। लेक फ्रोजन था सुबह में पर अब नहीं है। मिट्टी बहुत नरम है, जाना रिस्की है थोड़ा सा। वो एरिया फ्रोज़न है हल्का हल्का, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पहाड़ों की वजह से, वहाँ हवा का रुख ज़्यादा नहीं है, बस फिर यहाँ से वापस पानी पानी से। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, इट्स डे 5 एट भ्रमताल लेक, और यहाँ से होता है सफ़र ख़त्म। जाएंगे लोहा जंग वापस, और भैया मिस करेंगे ठंड को, सीरियसली इतनी ठंड है। रात को गर्म पानी भरो ना, प्लास्टिक की बोतल तो छोड़ो थर्मल बोतल में भी गर्म पानी भरो ना, सुबह तक बर्फ़ हो रहा है, बहुत ठंड है। ये देखो पीछे हल्की हल्की बर्फ, पुरानी वाली नई बर्फ़ तो नहीं मिली देखने, फ्रेश स्नोफॉल नहीं मिला। वेल कोई नहीं, मज़ा आ गया ठंड में ही वाली, कुल्फी जम गई। हाँ सफ़र ख़त्म हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते, जाने का तो मन नहीं है बट फिर भी जाना तो पड़ेगा घर पे। वेल बाय, अब सीधा नीचे मिलेंगे लोहा जंग में। फिर से बोल। अंजलि, खुशबू, अक्षित, ऋतिक, मयंक। तेरा नाम क्या? ऋतिक। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। नाम क्या है? मुदासिर। क्या है मेरा नाम? मुदासिर। ये मेरा नाम क्या है? मुदासिर। बहुत प्यारे, सीरियसली बहुत प्यारे। मुदासिर। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? यो ड्यूब चैनल आने चाहिए। यो चलो। What's up everybody? Good morning. It's day 5 at Loha Jam and just leaving it. बस जा रहे छोड़ के, सफ़र ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ट्रैक भी ख़त्म, अब निकल रहे घर की तरफ। और कुछ नहीं भैया, बस लास्ट सनराइज देख लिया अच्छे से, उसके बाद टाइम लैप्स आएगा, देख लियो। ओके लोगों से मिलाता हूँ, मेरे साथ में जीतते हुए उनके साथ। ओ लक्ष्मण भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
ये लक्ष्मण भैया, ये थे बीच में स्कैमर, स्कैमर। इनको लगता है, थोड़ा इनको लगता है कि हर चीज में स्कैम होता है, स्कैमर। ट्रैकिंग में सबसे बड़ा स्कैम इन्होंने ही किया और किसी ने नहीं किया है। ये मनोज अंकल, आप इधर आओ, सूरज जी सर लाइट। ये मनोज अंकल, हाउ इज द एक्सपीरियंस? आई रियली लव दिस एंड ऑलवेज आई वुड लव टू डू, आई लाइक मैडी, आई लव हिज। थैंक यू सो मच, ही इज सो नाइस गाय। थैंक यू सो मच, गुड लक मैडी फॉर योर रेस्ट ऑफ द लाइफ एंड एंजॉय लाइक दिस, लाइक एंजॉय लाइफ लाइक दिस ट्रिप। या थैंक यू भाई अंकन। भाई क्या चल रहा है, बोलो। क्या कुछ ही चल रहा है, बस बोलो व्लॉग में। सही है भाई, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत सही, एकदम गजब, मजे आ गए, फर्स्ट ट्रैक के मजे पूरे पूरे आ गए। ठीक है, नो धारा दीदी, हेलो, बताओ एक्सपीरियंस अपना। सुपर वाला, काफी एडवेंचर वाला था, मजा आ गई। बस बर्फ बहुत ज्यादा थी, ठंडी बहुत ज्यादा। अरे बर्फ दी कहाँ, हमारे टेंट में बर्फ थी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, सिर्फ बर्फ, सिर्फ ठंड थी, बर्फ नहीं थी, ठंड ज्यादा वाली थी, पर मजा आ गया, पूरा एक्सपीरियंस सुपर रहा। और मैडी भाई के साथ तो ज्यादा ही मजा आया, बहुत मजा आ गया। वो गुजराती गालियां, मैडी भाई गुजराती गैंग के साथ आए, गरबे गरबे। हां निधि दीदी, हाय, बोलो एक्सपीरियंस बताओ अपना। सो अमेजिंग, आई कांट इवन एक्सप्लेन, इतना मजा आया कि बता ही नहीं सकते, वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना इज जस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। और लोगों से मिलते हैं। हो यात्री जी, इधर 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 घूम घूम। हाउ इज द एक्सपीरियंस? हमारे लवली, सबसे ज्यादा स्लो ट्रैक है, पीछे पीछे रहने वाली बंदी है ये, और ऐसे करने वाली। हां थैंक यू। ओ प्रीमा दीदी तरह आ जाओ, डीजे सब लोग आ जाओ, एक्सपीरियंस शेयर करो अपना अपना। बहुत मजा आया आपके साथ एवरीवन। आज मेरे साथ के बाद में पहले ट्रैक कैसा था, टैनिंग और रेडनेस देख के देख सकते हो कि भाई बहुत धूप नहीं निकली तो भी टैन हो गए। इट वाज ग्रेट भाई, नाक टमाटर जैसी हो रही है, टमाटर जैसी नाक। और आना भाई शिखर, हाँ एक्सपीरियंस शेयर कर अपना। एक्सपीरियंस वाज गुड, प्लीज प्लीज ब्लॉग। या थैंक यू। और हीरा सिंह जी, बोलोगे कुछ? ब्लॉग शूट हो रहा है भाई, कुछ तो बोलो। ओके एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोग इस देवभूमि, उत्तराखंड की देवभूमि में, यहाँ पे हिमालय में आए, बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं आप लोग यहाँ पे आए, हमसे इस माउंटेन से लर्न किया होगा, लर्न करेंगे। और आप आगे इस ट्रैक, कोई भी ट्रैक करो, आप उस चीज़ के लिए आप अपना फिटनेस रखिए, मैं ये सजेस्ट। भाई फिटनेस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिटनेस बहुत जरूरी है। लाओ या लाओ मत लाओ, हौसला और दो जोड़ी थर्मल पहले लेके आओ, जी जी, हौसला बहुत पिटना पड़ता है। माउंटेन में ज़्यादा जी बड़ा कपड़ा लाने की जरूरत नहीं, आपको एक जैकेट दो थर्मल और अपने लोअर और ट्रैक पैंट लाना जरूरी है। ठंड का मौसम है तो आप कभी भी माउंटेन में आओ और अपने को आप मतलब फिट होके आओ। मैं सभी ट्रैकरों से जो माउंटेन के लिए आते हैं उनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जरूर अपने को फिट करके आओ, फिर देखो क्या मज़ा आता है। ओके बाय भाई। राज बोल दे आके कुछ, मैं क्या बोलूं, अरे रिकॉर्ड हो रहा है भाई, व्लॉग शूट हो रहा है भाई, कुछ तो बोलो। अरे भाई मजा आ गया, मेरे मेडी भाई के साथ तो बहुत मजा आ गया। अरे मेरा हाथ कैसे हो रहा है, सुन हो रहा है फिर से। विकास भाई, ओ वसंत, विकास बैठे क्या हाल चाल भाई, भाई मजा आ गया, बहुत सीधा बंदा है, कमेंट डालने वाला है, हां डालने वाला है, सीधा बंदा है, करो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जूता पे करो, सब कुछ करो। तो दैट्स इट, चलो कार्ड को दान, या आगे अब बस खत्म, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।